पूरा मॉडर्न कॉलोनी थू थू करेगा हम पे कि हमरे घर से मरे हुए चूहे का स्माइल आता है। भाभी जी स्माइल तो है आपकी मिलियन डॉलर स्माइल। मैंने कहा भाभी जी वो आप स्मेल कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। ये बदबू का क्या करे। भाभी जी मैं और तिवारी जी नीचे बैठ के ड्रिंक कर रहे थे तो अचानक तिवारी जी मेरे करीब आ गए। नहीं नहीं मतलब गलत मत समझिए बात करते करते तो कुछ कहना चाह रहे थे मेरे कान में। उनके पास से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे इस वक्त इस कमरे से आ रही। भाभी जी भी बोलते हैं। हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाभी जी मेरी बात मानिए जरा उनका मुंह ट्राई कीजिए जो खुला हुआ है जरा ट्राई कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा है ना हम रिलेटिव के भैया शुद्ध शाकाहारी है और वैसे भी वो तो हमेशा फूलों से महकते हैं। हाँ ये भी अभी करते हैं दूध का दूध पानी का पानी। हाँ मैंने कहा था भाभी जी आपसे नहीं मानिए आप। This guy is a stink bomb. क्या बताएं भाभी जी 12 लठैत और एक वो हंगूरी का भाई पुत्तन ये लोग हमारे ससुर भूरे लाल ने हमें निपटाने के लिए लगा रखे थे। सुन रही हैं आप? सुन रही हूँ। ओ गॉड ये कितनी वाहियात बदबू आ रही है तिवारी जी के मुंह से और इन्हें इस बात को होश ही नहीं है मैं कैसे कहूँ। अरे भाभी सुन रही हैं? सुन रही हूँ जी। सुन रही हूँ तिवारी जी सुन रही हूँ। हाँ तो आगे सुनिए क्या था भाभी जी। उन लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। अब जो ही अटैक किया तो हमने पलट के अटैक किया और ऐसा अटैक किया कि त्राही माम बोल गए और हमारे ससुर जी तो दुम दबा के पड़े हैं। तिवारी जी क्या है मेरे मुंह के अंदर बैठ के कहानी सुनाने का इरादा है क्या? दूर से बात कीजिए। माफ कीजिएगा हम तो दूर ही है भाभी जी। क्या हुआ क्या? पता नहीं मेरा जी मचल सा रहा है। ओह खट्टा खाने का भी मन कर रहा है क्या? अरे तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। ऐसा कुछ प्लान कर भी नहीं सकती मैं तो। चलिए आपका इरादा अमर रहे। क्या हुआ आपके होंठ क्यों ऐसे फड़फड़ा रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी कुछ नहीं। ये बहुत गंदी बदबू आ रही है तिवारी जी। बदबू? हाँ हमें तो कहीं से नहीं आ रही भाभी। मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। अच्छा एक मिनट देखते हैं तनिक कहाँ से आ रही है। ओहो लीजिए भाभी जी आपको जो दुर्गंध आ रही है ना उसका स्रोत मिल गया। यहाँ आइए तनिक इधर आइए इधर आइए। कौन है बे? गार्डन में बैठा सदर बस इतनी बदबू आ रही है तेरे अंदर से। अबे तेरे खुद के अंदर से चूहे मरे की बदबू आ रही है और मुझे ज्ञान दे रहा है। चल भाग जा। अरे भाभी जी अच्छा खासा सो रहा था हाले चले आते पता नहीं कहाँ से। क्या मौसम है। हाय दिया घंटी ठीक करा तो दिए हैं काहे इतना जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं। सच्ची बहुत ही बदतमीज लोग हैं। कौन है ये? हाँ हाय दिया अम्मा जी अपना नाम करे हैं जो जुग जी उम्र बच्ची। अब बैठिए कैसन बा अम्मा जी। हमारा हाल तो सब ठीक बा तुम्हारा का हाल बा है? वो बैल का और तुम्हारा कैसा चल रहा है? सब ठीक ही चल रहा था अम्मा जी। ठीक चल रहा था का मतबल है? सब ठीक चल रहा था मतबल कैसे बताएं आपको हमको तो बहुत अजीब लग रहा है। अरे बिटिया हमको बताओ हमसे का शर्माना है बोलो बोलो। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें। ये क्या करे लटकी भैया? अरे ये बैल तो शर्म का पैजामा निकाल के फेंक दिया है।
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। इतना गंदा बदबू कहां से आ रहा है? Here comes your coffee, exactly the way you like it. Here, coffee. क्या? क्या? अरे कॉफी पियो ना यार, कॉफी पियो। थैंक यू। यार कितनी गर्मी पड़ रही है, बला की गर्मी पड़ रही है। कम ऑन यार, किस तरह का मौसम है यार ये? बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है? मौसम है विभू, ऊपर नीचे होता रहता है ये। लेकिन पुष्पक बिल्डर्स के स्टॉक इतना नीचे क्यों है? शेयर मार्केट है, ऊपर नीचे होती रहती है। वी आर कमिंग सर। नो, गेट लॉस्ट। कैसी बातें कर रहे हो विभू, मेहमान है वो? ये मेहमान नहीं है, हैवान है, हैवान। देखो अगर हमारे घर में गधा भी आ गया ना तो भी वो भी मेहमान ही कहलाएगा। तो बुला लो, करो मेहमान नवाजी। आ जाओ, आ जाओ गधो, आ जाओ। कमीन सर। एक्सक्यूज मी सर, हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम तो बस आपसे ये पूछने आए हैं कि टूथपेस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या मतलब, व्हाट डू यू वांट? एक्चुअली सर हम सर्वे करने आए हैं ये जानने के लिए कि टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा होना चाहिए। तो बट ऐसा है कि मुझे टेस्ट ज्यादा यकीन है फ्लेवर पे। आई लव फ्लेवर मोर देन द टेस्ट। सर आपकी भावना है सर आंखों पर, लेकिन सर सजेस्ट तो कीजिए कि फ्लेवर कैसा होना चाहिए। सर जी, मैंगो, मैंगो स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, गुआवना, वट एवर यू चॉइस। पहली बार सुन रहा हूं फ्रूट्स के नाम। तो ऐसा है बॉस, yeah. तुम अपने टूथपेस्ट का फ्लेवर रखो मैंगो। मैंगो लिखो, क्योंकि मैंगो जो है पूरे वर्ल्ड की औरतें वर्ल्ड वाइड They love this flavor. I'm an औरत and I don't like mango flavor. Mango काट दो। देखो क्या है, तुम इकलौती औरत नहीं हो इस दुनिया में। कितनी औरतें हैं और सारी औरतें पसंद करती हैं mango flavor. Mango लिखो। तुमको दुनिया भर के औरतों से क्या लेना देना भाई, तुमको तो मुझसे लेना देना होना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम यार, कैसी बातें कर रही हो, ये क्या मतलब हुआ? नहीं मुझे एक बात बताओ, मेरे जानकारी के बगैर तुम दूसरे औरतों के साथ क्या टाइम पास करते फिरते हो पूरे मोहल्ले में? यार कौन टाइम पास करता है यार, पूरे दिन आई एम एट होम, पूरे दिन मैं घर में रहता हूँ। कभी बोर हो जाता हूँ तो बाहर जाता हूँ, लॉन में अंगड़ाई लेता हूँ, अंदर आ जाता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, ये बाहर तुम जाकर टाइम पास के नाम पे ना यही सब कुछ फिगर आउट करते हो किसको क्या फ्लेवर पसंद है। अरे कम ऑन यार, मैं कोई टाइम पास नहीं करता। आई नेवर डू ऑल दिस टाइम पास फॉर गॉड्स सेक। यू आर हर्टिंग मी, यू आर हर्टिंग मी बाय डूइंग दीस थिंग्स। यू आर हर्टिंग मी बाय सेइंग दीस थिंग्स। हाउ डू यू नो दैट वुमेन लाइक मैंगो फ्लेवर? इसको करवा दो यार किल्लू, इन्होंने तो दूसरा इराक लगा दो यार। ये तो वही वाला हाल हो गया, साला जाना था जापान पहुंच गया चीन। चल छोड़ यार, जे बता कौन सा फ्लेवर लिखूं? केला लिख ले। चलो माल के एक्ट्रेस हो, क्या बनाया तूने स्क्रीन पे यार, तबियत हरी कर दी तुमने यार। वैसे बाय द वे आई हेट मैंगोस। I love mango. अरे चूहा कौन फिल्म स्टार हो गया है का, जो दिखाइए नहीं दे रहा है? अम्मा जी हाँ? का ढूंढ रही है यहाँ हुआ? अरे बहुरिया जब से हम आए हैं ना तब से ये घर में मरा हुआ चूहा का बदबू आ रहा है, वही ढूंढ रहे हैं कहाँ मरा है। नहीं नहीं अम्मा जी, ये जो बदबू है ना वो मरे हुए चूहे का नहीं है। अरे तुम का बदबू पे रिसर्च कर रही हो बहुरिया है? ऐसा नहीं है, लेकिन हमको पता चल गया है कि बदबू कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बहुरिया? अम्मा जी बदबू ना लटू की भैया के अंदर से आ रहा है। क्या बात कर रही है? अरे ये बैल ऐसा कौन चीज खा लिया जो उसका मुंह से इतना गंदा बदबू आ रहा है? कहाँ पंचायत चल रही है? अरे 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 कहाँ हो गया? अरे हम कौन भूत हो गए क्या, देख कर डर गई है? सास बहू के बीच में पता नहीं क्या नौटंकी चलती रहती है जाली।
सेठ जी अंदर आ सकते हैं। आओ मेरे बेटू आओ। और कितना अंदर आओगे बे, आ तो गए। सर जी आपके घर का सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से ना हमारा सर्वे कंप्लीट नहीं हो रहा है और हमारा प्रोजेक्ट रुको पड़ा है। आपका सर्वे पूरा हो जाए हमारा प्रोजेक्ट पूरा है जाएगा। मैं क्या कह रही हूँ सेठ जी कि आपसे जो सवाल किए जाए ना उनके जवाब तमीज से दे दीजिए। तो सवाल क्या है बेटे? सर जी सवाल ये है कि आप टूथपेस्ट करते हो का? ऐसा है बेटे कि टूथपेस्ट मिल जाता तो टूथपेस्ट कर लेते, नहीं तो राख से ही काम चला लेते। बड़ी नींद सी आ रही है। अरे मोरी मैया, तिवारी भैया, मरा हुआ चूहा खाया होगा तुमने? तिल्लू भाग सारे बेहोश आ जाएंगे यहीं पे। अबे सुनो। हाँ सर। अबे सुनो, अभी चूहे की बदबू आ रही है काका। बेटे का है तो हमारी अंदर से आ रही है बे। डॉक्टर। अरे डॉक्टर काहे बुलाए थे इमरजेंसी में हमें? भैया वो मेरे 4,000 रुपए तो दे दीजिए। अरे दे देंगे, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहे हैं तुम्हारा? भैया आजकल का ये वायरस भागने का मौका कहाँ दे रहा है, रात में आदमी सोता है और सुबह की खबर नहीं। यार बड़े नेगेटिव हो डॉक्टर तुम तो। यार कोई पैदाइशी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव बनाते हैं उसके हालात। फिलहाल आप मेरे पैसे दे दीजिए। कौन से पैसे? कर दी ना फालतू बात, भूल गए उस दिन मेरे क्लिनिक से आप वो दवा लेकर गए थे गोली। अच्छा अच्छा उन गोलियों के 4,000 रुपए? हाँ हाँ वही गोलियों के, लाइए दीजिए। अरे दे देंगे यार, तुम इतने बेसब्रे हो रहे यार, भाग रहे हैं क्या? दे देंगे दे देंगे। भैया एक बात कहें, जब आप उधारी मांगते हो ना तो आपके चेहरे पे ऐसे भाव आते हैं कि आपसे ज्यादा जरूरतमंद पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जब वही उधारी वापसी का वक्त आता है ना तो आपके चेहरे के भाव कुछ ऐसे हो जाते हैं। क्या कैसे कैसे? रहने दीजिए, ज्यादा भाव विभोर होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप मेरे पैसे दीजिए। अरे दे देंगे यार, कौन सा शहर छोड़ के भाग रहे हैं यार, चाय पिलाओ। दुकान बंद है। ठीक है कैश दे दो, चाय पी लेंगे। मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं, दे देंगे दे देंगे दे देंगे। यार कोई आदमी इतना मतलब भी कैसे हो सकता है? विभूति भैया का मतलब निकलते ही ऐसा बिहेव करते हैं जैसे सामने वाले को जानते ही नहीं। ये सड़े हुए लहसुन की बदबू कहां से आ रही है? ये बदबू हमारे मुंह से आ रही है। भैया कि आपने अपने मुंह के अंदर सड़े हुए लहसुन की खाद बनाने का गोदाम खोल रखा है क्या? आप फालतू की बकवास बंद कीजिए, आप डॉक्टर हैं, आप बताइए कि हमारे मुंह से बदबू कैसे आ रही है? मुंह खोलिए। बंद करिए बंद करिए, ऐसा लग रहा है गटर से ढक्कन किसी ने हटा दिया हो। पता नहीं अंगूरी भाभी कैसे आपके साथ। अरे यार आप पर्सनल रिश्तों की खिड़की में झांकने की कोशिश मत कीजिए, इलाज कीजिए। ये बताइए कि ये बदबू आने की वजह क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? भैया मैं कैसे बता सकता हूँ किसका जिम्मेदार कौन है? तो ठीक है फिर एक किस्सा सुनिए। बहुत साल पहले एक गाँव में एक नचनिया रहा करती थी फूलवती, उसके बहुत सारे कमीनों का उठना बैठना था। तो एक बार जो है वो गाँव में कोनो कांड हो गया। क्या कांड हो गया? अब ये आप अपनी मानसिकता के आधार पर सोचिए कि क्या कांड हो गया। लेकिन कांड जो ऐसा विशाल कांड था कि गांव में ही नहीं पूरे शहर में बवाल मच गया कि उस रात चौधरी साहब के साथ अंधेरे में किसने खेला किया। अब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन दरोगा साहब को उस फूलवती नचनिया की याद आई। दरोगा साहब उसके पास गए, तब पता चला कि उस रात चौधरी साहब के साथ कौन खेला खेल गया। अरे भैया इतनी सारी बातों में आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस मॉडर्न कॉलोनी की फूलवती नचनिया आप है, जहां सब कमीनों का जमावड़ा रहता है। अच्छा तो फूलवती मैं हूं, इसका मतलब चौधरी तुम हो? अब जब तुमने फूलवती का खिताब दे ही दिया है तो ये तो मालूम ही होगा कि फूलवती कोई भी काम मुफ्त नहीं करती। 6,000 रुपए लगेंगे? हाँ 6,000 रुपए देते हो तो बोलो। 6,000? वो किस बात के? उस कमीने के नाम बताइए। अच्छा तो खुद ही बता दो उस कमीने का नाम क्या है। एक बात बताओ, इस पूरे कानपुर में सबसे ज्यादा कमीना कौन है?
जाहिर सी बात है भभूति नारायण मिश्रा। तो मिल गया ना चौधरी तुम्हें अपने सवाल का जवाब। अरे हमें तो पहले से ही पता था डॉक्टर साहब कि वो कमीना ही साजिश में शामिल हो सकता है। अब देखिएगा हम कैसे बैंड बजाते हैं। भाई अब तुम चाहे बैंड बजाओ या सारंगी, फूलवती ने तो अपना काम कर दिया। हाँ अरे अभी कहाँ काम किया, वो गोलियां तो दीजिए जो आपने भभूति जी को दी थी। भगवान मैं जानती हूँ कि मैं आपसे बहुत कम मिलने आती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। विभू मुझे इतना इग्नोर क्यों करता है? Why is he ignoring me so much? वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है? Baby, I'm sorry, मुझे माफ कर दो। जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ कोई शक्ति मुझे भाभी जी की ओर खींच ले जाती है। मुझ में आखिर ऐसी क्या कमी है भगवान? नो बेबी, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। यू आर हॉट एंड यू आर रियली हॉट मैन। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? Of course, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने तो मेन का पानी भरती है। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? Of course, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे सामने तो मेन का पानी भरती है। फिर मेरा बुबू मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? I love you, baby. बुबू loves you a lot. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सीरियसली। बुबू तुम यहाँ? मैंने तुम्हारे मन की व्यथा और पीड़ा सुन ली है। तो अब क्या फैसला किया है? एक ही फैसला किया है, और वो फैसला ये है कि अब मैं तुमसे 24/7 डे नाइट एवरी डे प्यार करूंगा। आलोक निरंजन, आलोक निरंजन। कौन हो भाई? अब इस रूप में अमेरिकन प्रेसिडेंट तो आ नहीं सकता। लेकिन बाबा आप हैं कौन? हमें ऊपर वाले ने तुम लोगों की मोहब्बत देखकर यहाँ धरती पर भेजा है। एक सेकेंड, हमने ऊपर वाले से इतना भयानक गिफ्ट नहीं मांगा था। टिंगल मत कर, है? टिंगल मत कर, और हमारी बात जरा और से सुन। ऊपर वाले ने हमें यहाँ तेरे लिए ये चमत्कारी प्रसाद लेके भेजा है। इससे क्या होगा? इससे तू अपनी बीवी से भरपूर मोहब्बत करने लगेगा। विभू कुछ मत सोचो, तुरंत खा लो। ले बे। बाबा ये प्रसाद खाने के बाद मैं अपनी बीवी से तो प्यार करने लगूंगा, ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरी जगह मेरा प्यार कम हो जाए? किससे बे? मतलब इसे मम्मी से, पापा से, वगैरह वगैरह। ये मम्मी से पापा से ये तो ठीक है, लेकिन ये वगैरह वगैरह कौन है बे? एक है वगैरह, इसे एक ऐरा गैरा नत्थु खरा दबोचे बैठा है। उसका पति होगा। आपको कैसे मालूम चला? तो ये तो हमारी मोहब्बत के बीच का रोड़ा है। आए? हम चमत्कारी हैं, चमत्कारी। वैसे तो किसकी बात कर रहा था लौंडे? अरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैंने सर्वे करने के लिए कानपुर के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स लगा रखे, वो जैसे ही मुझे डिटेल्स पेश करेंगे मैं सारी डिटेल्स आपको पेश कर दूंगा। हाँ, वो देखो आ गए मेरे एक्सपर्ट्स बंदे, मैं आपको बाद में डिटेल्स भेजता हूँ। हाँ। आओ मेरे शेरों, अभी मेरे पार्टनर का ही फोन था, वो पूछ रहा था कि सारे घरों का सर्वे हो गया। फिर प्रेम भैया तुमने कहा बोलो? मैंने कहा मैंने शहर के बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स लगा रखे यहाँ। अच्छा ये बताओ सर्वे हुआ कि नहीं? प्रेम सर मॉडर्न कॉलोनी की पूरी डिटेल जे हैंगे। वेरी गुड, तो सब घरों का सर्वे हो गया? प्रेम भैया बस एक घर रह गो। कौन सा घर बे? मनमोहन तिवारी सेठ का घर। क्यों? उस कच्चा बनियान के घर का सर्वे क्यों नहीं किया? क्या वो कच्चा बनियान तुम्हारा फूफा लगता है? प्रेम भैया तिवारी भैया बहुत लीचड़ आदमी है, वो ढंग से बात ही नहीं करतो तो डिटेल कहाँ से देगा वो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे उस कच्चा बनियान का रिपोर्ट चाहिए तो चाहिए। प्रेम सर आपको रिपोर्ट चाहिए और हमें थोड़ा सा एडवांस चाहिए। प्रेम भाई आज सुबह भूखे प्यासे घर से निकलते हैं और शाम को आते हैं, और आज तो हमने लंच भी नहीं करो है। अबे सालों तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जे क्या बात कर रहे हैं प्रेम सर, एक तो आपके खाते सुबह से शाम तक भरी दोपहर में पैदल चल के घर से घर जाकर सर्वे कर रहे हैं, और आप पैसे देने से मना कर रहे हैं। अबे मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, सब घर का सर्वे करके ले आओ और अपने पैसे ले जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अरे प्रेम सर एक घर का सर्वे नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? बेटा ऐसा है कि मेरे टूथपेस्ट का भाव है 200 रुपया,
जो 20 दिन चलेगा उस हिसाब से अगर मेरा ग्राहक एक महीने में डेट टूथपेस्ट इस्तेमाल करेगा तो उसका होगा 300 रुपया, अगर उस हिसाब से वो एक साल इस्तेमाल करेगा तो उसका होगा 3600 रुपया, अगर उस हिसाब से 10 साल इस्तेमाल करेगा तो उसका होगा 36,000। सालों मेरा नुकसान कौन भरपाई करके देगा? लो भैया मलखान, अजीब धंधा मिला भैया, पैसा तो मिलना दूर के बाद, मुझे तो लग रहा है कि हमारी जेब से जाएंगे। जहाँ में डरने की कोई बात नहीं आती। वो कैसे? सारे धी के लग, जब हमारी जेब में कुछ होएगो तभी तो जेब से निकले। अबे ओ लौंडो, तुम्हें सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो बस उस कच्चा बनिया। अरे प्रेम भाई, आपको कैसे बताएं, मनमोहन तिवारी हमारे काबू में ना है, क्या करें हम। चिल्लू एकदम सही कह रहे हैं, प्रेम भैया आप ना सिर्फ तिवारी भैया को संभाल लियो। तो ठीक है, उस कच्चा बनियान का सर्वे मैं करूंगा। हाँ। 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 हाँ।